ये बात है 1980 की, जब महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट के अमलनेर गांव में रहने वाले मोहम्मद अनवर के पिता की अचानक से मौत हो गई। उनकी मौत के बाद पीछे जायदाद में एक खेत था, जिसे मोहम्मद अनवर के अलावा तीन भाइयों में बराबर से बांट दिया गया। लेकिन मोहम्मद अनवर ने उस जमीन के टुकड़े को 80,000 रुपए में बेच दिया और एक ब्रोकर सतीश शाह के कहने पर 10,000 रुपए विप्रो कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए और 100 शेयर्स विप्रो कंपनी के खरीद लिए। 1980 में किया गया ये इन्वेस्टमेंट आज 40 साल बाद 1500 करोड़ रुपए में बदल चुका है, जिसमें से 200 करोड़ रुपए तो सिर्फ डिविडेंड के तौर पे मोहम्मद अनवर को मिले हैं। गाइस, ये है पावर इन्वेस्टमेंट की। तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट करिए, डीमेट अकाउंट खुलवाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही गिवन है। हमारे देश में क्रिकेट बहुत ज्यादा पॉपुलर है और कभी कभार ग्राउंड पे खिलाड़ियों के बीच की कॉन्ट्रोवर्सी इसे और ज्यादा पॉपुलर बना देती है। गाइस, आपने क्रिकेट के ग्राउंड पे बहुत बार खिलाड़ियों को आपस में भिड़ते और उन्हें आपस में गाली देते या अपशब्द बोलते देखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि एक खेल का टूर्नामेंट ऐसा भी है जहां पर खिलाड़ी आपस में एक दूसरे को गाली नहीं दे सकते। अगर कोई खिलाड़ी गाली देते पकड़ा गया तो उस पर 14,00,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। गाइस, उस खेल के टूर्नामेंट का नाम है विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट। अब मजे की बात यह है कि विंबलडन को खेलने के लिए अलग अलग देशों से अलग अलग भाषाओं के खिलाड़ी आते हैं। इसी वजह से विंबलडन के अंपायर को अलग अलग भाषाओं में गालियां सीखनी पड़ती हैं, जिससे वो किसी भी खिलाड़ी को गाली देते पकड़ सके और उस पर जुर्माना लगा सके। गाइस, क्या इसके पहले तक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।